हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुनैद अहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइव यूट्यूब चैनल। तो यार फेसबुक पर जब आप किसी वीडियो कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ वीडियोस ऑटो प्ले हो जाते हैं, जिन्हें आप प्ले नहीं भी करते वो खुद ब खुद ही प्ले हो जाती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑटो प्ले वीडियोस को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसे बंद कर सकते हैं ताकि वो ऑटो प्ले ना हो। जिस वीडियो को आप खुद से प्ले करें सिर्फ वही वीडियो प्ले हो। तो इस आसान तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना टाइम जाया के शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो ऑटो प्ले वीडियोस को बंद करने का तरीका आप दोस्तों को बताने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। और स्टेप नंबर वन है कि आपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो कैटेगरी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ये वीडियो ऑटो प्ले हो रही है, मैंने इन्हें प्ले नहीं किया हुआ। तो जितने भी वीडियोज हैं ये खुद से प्ले हो रही है, राइट। तो अब इसे बंद कैसे करें? तो बंद करने के लिए आपने क्या करना है, थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ तो आप गियर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेटिंग में डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास एक अगली सेटिंग आएगी, तो आपने यहाँ पर स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर जो आपको मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑटो प्ले की एक कैटेगरी आती है, जिसमें पहली कैटेगरी में लिखा हुआ है ऑन मोबाइल एंड डेटा वाईफाई। तो यहाँ पर जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल की 4G इंटरनेट और वाईफाई से ये ऑटो प्ले हो जाएगी। उसके बाद ओनली वाईफाई को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप अगर किसी का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या अपना ही वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उससे ऑटो प्ले होगी फेसबुक की वीडियोस। अगर आप नेवर ऑटो प्ले वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नेवर ऑटो प्ले वीडियो से ये होगा कि आपकी वीडियोस जो होती हैं वो फेसबुक पर वो ऑटो प्ले बिल्कुल ही नहीं होंगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने नेवर ऑटो प्ले को सिलेक्ट किया, इसे बैक करता हूँ। और बैक करने के बाद हम चले जाते हैं वीडियो कैटेगरी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वीडियोज़ यहाँ पर पहले ऑटो प्ले हो रही थी वो रुक चुकी हैं। जिसे मैं प्ले करूँगा सिर्फ वही वीडियो यहाँ पर, जैसे मैंने इसे प्ले किया वही वीडियो यहाँ पर प्ले होगी, यानी कि खुद से कोई भी वीडियो आपकी प्ले नहीं होगी ये सेटिंग्स अप्लाई करने से। और यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था कि फेसबुक पर वीडियो ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो वीडियोस ऑटो प्ले हो जाती हैं और उसे बंद कैसे करें, वही तरीका मैंने आपको बताया। तो मजीद फेसबुक से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।